सबसे पहले तो आप लोगन के चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहल बा भैया चाचा माई बहन सबके पैर छू के प्रणाम बा। और इस फिल्म का नाम है संग्राम। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सुजीत तिवारी जी, हमारे बड़े भैया हैं, बहुत मानते हैं मुझे। और जगदीश शर्मा जी, उनको हम लोग प्यार से मुन्ना भैया बुलाते हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ ये मेरी पांचवी या छठी फिल्म है। काफ़ी क्लोजनेस से हमको बेटा जैसा मानते हैं। और आज एक्शन सीन था और मुझे एक्शन सीन में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगा। आज का फाइट सीन, एक्शन जो भी हुआ, जो सीक्वेंस था, वो किरदार निभा के बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या है ना कि हर रोज आदमी वही काम कर रहा है, तो एक बात है कि हम हैं दाल चावल बनाएंगे, आप हैं आप बनाएंगे, तो दोनों के टेस्ट चीज है वही, लेकिन दोनों के टेस्ट में अंतर हो जाएगा। तो यही ये है कि कहीं काम करके आदमी थोड़ा मन मार लेता है या मन खुश नहीं होता है, और कहीं कहीं होता है कि मतलब वही काम कर रहे हैं लेकिन कितना अच्छा लग रहा है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा है। और इंडस्ट्री में सारे लोग अच्छे हैं, सबके साथ काम करके अच्छा लगता है। ये तो मान लीजिए कि संयोग है, बाय चांस कहीं मूड खराब हो जाना, बाकी तो अच्छा ही रहता है। और ये फाइट मास्टर जो हैं हीरा यादव जी, अच्छे मास्टर हैं और इनके साथ काम करके अच्छा लगता है। कहानी क्या है कि हम लोगों के ऊपर भी कुछ थोड़ा दबाव नहीं होता है, लेकिन एक सुझाव होता है कि बाबू पिक्चर रिलीज होने से पहले कहानी किसी को मत बताइएगा। ओके सर, ओके भैया। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रहा हूँ, इस टाइप का करेक्टर मैं पहली बार कर रहा हूँ। दो भाइयों की कहानी है और वो दोनों भाइयों में क्या उतार चढ़ाव आता है, क्या होता है, एक भाई से नफरत करता है, ये अलग है कि बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई ही नफरत करता है अपने बड़े भाई से। यही सब मेल मिलाप है और इसका कैसे एंड होता है, यही सब है इस फिल्म में। आपके साथ और कौन से किरदार कोई नया किरदार देखने? इस फिल्म में मैं हूँ, हमारे साथ काम कर रही हैं हीरोइन जिनका नाम है काव्या जी, उनके हमने के सेट पे खुशबू करके बुलाई ले जाए, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और बहुत पहले मैंने इनके साथ काम किया था, उस फिल्म का नाम था सौगंध गंगा मैया के, और वो शूटिंग के काफ़ी साल बाद हम लोग मिले। और यही जो जगदीश शर्मा जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनके होम प्रोडक्शन के फिल्म हम लोग किए, लागी नहीं छूटे रामा, और ये संग्राम हम लोग कर रहे हैं। लागी नहीं छूटे रामा में भी काव्या जी ही काम किए हैं और इस फिल्म में काव्या जी ही हैं, और हमारे मामा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, और एक हमारे बड़े भैया हैं, वो तीनों जन मिल के फिल्म बना रहे हैं जिसका अगले महीना शूट है गोरखपुर में, उसमें भी काव्या जी हैं। और बहुत अच्छा इनका नेचर है और इनके साथ काम करके अच्छा लगता है। फिल्म सीपीआई बैनर पे बन रही है, कितना मजा आ रहा है आपके साथ काम करके? मैंने पहले ही बोला कि सुजीत तिवारी जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो बड़े भैया हैं हमारे और प्यार करते हैं, बहुत अच्छा दुलार देते हैं। और सुजीत भैया की जो सोच है ना, वो डिफरेंट है,
अलग है, हमेशा अलग सोचते हैं और हमेशा कलाकार को मतलब पुश करते हैं कि बेटा और अच्छा करो, और अच्छा होगा, क्या आप चाहिए, क्या मंगाना है, क्या मंगाऊं। तो ये सब जब कलाकार के कान में जब आता है ना, तो आपरूपी थोड़ा सा अलग होने लगता है। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस फिल्म में काम करके। मैं कलाकार के लिए क्या है, हमारा तो अभी एक फिल्म रिलीज हुआ जोने फिल्म का नाम है हुकूमत, उसमें भी होली है। एक फिल्म है हमारा लेके आजा बैंड बाजा है पवन राजा, उसमें भी होली है। तो हमको तो कल भी छुट्टी नहीं है, मुझे कल भी काम करना है। और अपने लिए काम ही सबसे प्यारा है, काम है तो सब कुछ है। और ये पब्लिक का आशीर्वाद है, क्योंकि एक कलाकार के लिए जो श्रोता है वो भगवान होते हैं, मालिक होते हैं, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं तो ही मैं काम कर रहा हूँ। वो हमको नहीं देखेंगे तो हम काम कहाँ से करेंगे। तो ये सबके नसीब में नहीं होता है। और मैं यही कहूँगा, जो बचपन से लेके आज तक आप लोगों से जो दुलार मुझे मिलते आ रहा है, बस यही प्यार आशीर्वाद दुलार हम पे बना रहे और मेरा मेहनत ऐसे ही जारी रहेगा। दो आईडी देनी पड़ेगी, एक महुआ की और एक संगीत।